दोस्तों, सीआरडी में दया और अभिजीत को हो चुका है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी जो कि काफी तेजी से भारत में फैल रहा है और अभी सीआरडी के दया और अभिजीत को अपने चंगुल में ले लिया है कोरोना ने। तो क्या है पूरा मामला, क्या सच में दया और अभिजीत को कोरोना हो चुका है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और साथ में ऑल का जो नोटिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दया और अभिजीत जो है वो सीआईडी में जय और बीरू की तरह है। सीआईडी का कोई भी मुश्किल केस हो वो उस केस को दया और अभिजीत मिलकर सॉल्व कर ही लेते हैं। इनका साथ देते हैं दोस्तों एसीबी प्रद्युमन जो कि सीआईडी के कर्ता धरता है। अभी दोस्तों न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि सीआईडी के दया और अभिजीत को कोरोना ने अपने चंगुल में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। तो क्या है पूरा मामला दोस्तों, सीआईडी का एक नया एपिसोड आने वाला है जिसमें सीआईडी के दया और अभिजीत, पूर्वी और श्रेया, इन चारों को होने वाला है कोरोना। तो दोस्तों, रियल लाइफ में इनको कोरोना नहीं होने वाला है, सीरियल में यानी कि एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इन चारों को कोरोना हो चुका है और ये चारों लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन कर रहे हैं, मास्क वगैरह कैसे पहन रहे हैं, कितना न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं। और इससे आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सीआईडी टीम की तरफ से और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना स्पेशल एपिसोड्स को ज़रूर देखेंगे। और अगर आप कोरोना के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानना चाहते हैं तो आप इस एपिसोड से ज़रूर जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये एपिसोड काफ़ी इंस्पायरिंग साबित होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।